हिंदुस्तान गजट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों इस वक्त हम गुजरात में हैं और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, जो एक बेबाक और तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं। सर आपका शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस का गुजरात में क्या माहौल है, चूँकि लगातार 27 साल से वो सत्ता में नहीं है? देखिए, सत्ता में नहीं है उसके बावजूद पिछली बार हमारी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी और कुछ जिले ऐसे रहे, कुछ मुद्दे ऐसे रहे, मोदी साहब ने गुजरात की जनता को जिस तरह से भ्रमित किया उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बॉर्डर पर रुक गए इस बार। लेकिन गुजरात की जनता बीजेपी को माफ़ नहीं करेगी। मोरबी का भ्रष्टाचार और कोरोना का मिसमैनेजमेंट, जिस तरह से बेरोजगारी और जिस तरह से महंगाई है, गुजरात इस बार बदलाव के लिए आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस जीत रही है। सर जिस तरीके से देखा जाए कि जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की वो सब अभी गुजरात में है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो महाराष्ट्र में, सर कैसे देखते हैं वो पूरे लोग आकर यहाँ? देखिए, महाराष्ट्र में जो यात्रा चल रही है वो भारत जोड़ो यात्रा है, वो मोदी जी का प्रचार यात्रा नहीं है, वो मोदी जी की चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा है। उसके मायने, उसके आयाम अलग हैं। जहाँ तक बात यहाँ की है, वो बार बार आ रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को पता चल गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए बार बार हवाई जहाज में बैठते हैं और अहमदाबाद आके उतर जाते हैं। गुजरात की जनता अब इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करेगी। सर अरविंद केजरीवाल का लगातार बयान आ रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों तक सीमित रह जाएगी, इस बयान को कैसे देखते हैं और यहाँ चुनाव लड़ने को उनको कैसे देखते हैं? कौन अरविंद केजरीवाल? वो दारू वाला? छोड़ो यार, कैसे देखते हैं उनके बयान? देखना ही नहीं है उसको, किस लिए देखना है? वो दारू उसके अपने केसेस से निपट ले, तभी उसके बाद जवाब देंगे उससे कोई। इस मतलब कांग्रेस कितने सीटें ला सकती है, चूँकि 80-82 में करेगी? कांग्रेस इस बार 125 के पार जाएगी। हम अमित शाह जी की चरें ना तो भविष्यवक्ता हैं और ना ही हम अहंकार में हैं। जनता इस बार जिताएगी, गुजरात की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम 125 के पार जाएंगे। मुद्दे क्या क्या हैं सर गुजरात के लिए? देखिए, सबसे पहला तो गुजरात जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में है। जिस तरह से फेक इन लोगों ने गुजरात मॉडल बनाया, सोशल इंडिकेटर्स में सब में गुजरात पीछे है। 900 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 6000 स्कूल पिछले 5 साल में बंद हो गए। पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इन लोगों ने। और मोरबी जो ठेकेदारी पर था और जो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, वो सब पूरे देश ने देखा है कि सैकड़ों लोग मर गए, ना किसी ने जिम्मेवारी ली, ना किसी ने माफ़ी मांगी, ना किसी ने इस्तीफा दिया। आप गुजरात की जनता को बिल्कुल अपमानित कर रहे हैं और भाजपा जिस तरह से चुनाव से अपने तमाम टिकट बदलकर उसको आंखों में धूल झोंकना चाहती है एंटी इनकम्बेंसी के मामले में, गुजरात की जनता वो सूरत की जो शवदाह गृह की भट्टी थी, जो शव जलने पर पिघल कर गिर गई थी, गुजरात की जनता उसको भूली नहीं है। एक लास्ट मैसेज गुजरात जनता को क्या देना चाहेंगे? हम गुजरात की जनता से हाथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि इन भ्रष्टाचारियों को, जिस तरह से इन्होंने 27 साल गुजरात को लूटा है, इस बार परिवर्तन कीजिए। चिंतन और मनन के साथ गुजरात के भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।